अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। रमजान अल मुबारक के बाबरकत महीने की आमद आमद है अल्लाह पाक के फजल व करम से। और आज की ये जो वीडियो है ये इस बारे में है कि हम किस तरह से इस महीने में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सस्ते, बहुत ही आसान तरीके से अपना वजन कम कर सकते हैं और ये हर तरीके से आप लोगों के लिए मुनासिब भी होगा। ठीक है, बहुत से ऐसे कमेंट्स आने लगते हैं कि हम कौन सा डाइट प्लान फॉलो करें जिससे हमारा वजन कम हो सके। तो देखिए, रमजान अल मुबारक में डाइट प्लान फॉलो करना आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगता, ये बहुत ही मुश्किल लगता है। देखिए, उन लोगों के लिए ठीक है जो लोग ऑलरेडी अपना वेट लॉस का जर्नी स्टार्ट करके बैठे हुए हैं, दो तीन महीने से वो कोई डाइट प्लान फॉलो करें तो उन लोगों को ये बात सूट करती है कि हाँ जी इस महीने में हमने क्या करना है, हमने रोजे भी रखने हैं तो हमने किस तरह से जो है ना हमने कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना है। तो उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट है, वो ये बात पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, उन लोगों के लिए आसान। वो लोग जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि अब रमजान मुबारक का महीना स्टार्ट होने वाला है, अब हमारा वजन कम हो जाएगा, हम अपना वजन कम कर लेंगे, हम रोजे रखेंगे, हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, हम थोड़ा सा साथ साथ वॉक वगैरह भी कर लेंगे, कोई डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो हम अच्छा खासा वजन कम कर लेंगे, यानी कि हम अभी इस इंतजार में कि कब ये मंथ स्टार्ट हो, कब हम अपना वजन कम करें। इंक्लूडिंग मी, आई एम नॉट डिफरेंट, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, मेरे समेत मैं भी यही सोचती हूँ कि अच्छा यार मैं भी अब जब रोजे रखूंगी तो काफी हद तक जो है वो अपना वेट जो है वो कंट्रोल करूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचती हूँ। वो लोग जो 11 महीनों में कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाए, अपना वजन कम नहीं कर पाए, तो वो रमजान अल मुबारक में भी अपना वजन कम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको डिस्करेज नहीं करी, मैं आप बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ कि अगर आप आम दिनों में स्ट्रगल नहीं कर पाते अपना वजन कम करने के लिए तो आप इन दिनों में भी नहीं कर पाएंगे। किस तरह से आप रोजे रख के आप सोचते हैं कि आप अपना वजन कम कर लेंगे। एक तरीका है इस महीने में अपना वजन कम करने का और वो ये है कि जिस तरह से हमें रोजा रखने का तरीका बताया गया, जिस तरह से हमें रोजा रखना चाहिए, अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो हम अपना वजन भी कम करते हैं। हमारी बॉडी में आपको नुमाया चेंजिंग नजर आएंगी, पता चलेगा कि पूरा एक महीना आप किसी प्रोसेस से गुजरे हैं। हम क्यों रोजा रखते हैं, मतलब रोजा हमें क्या सिखाता है, हमें सब्र करना सिखाता है ना रोजा रख के, कि हम मुत्तकी बन जाएं, हम परहेजगार बन जाएं। रोजा हमारे जिस्म की ज़कात है, ठीक है, लेकिन हम गलती ही यहां से करते हैं। हम क्या करते हैं जनाब कि सहरी के टाइम या तो हम खुद या फिर हमारे माए, वो क्या करते हैं कि सुबह बच्चे ने रोजा रखना है या हमने रोजा रखना है तो हम दो दो पराठे, दो दो अंडे, साथ में बॉल भर के दही का बड़ा मग, लस्सी का, और जो हाथ में आ रहा है हम वो खाते जा रहे हैं कि भाई हमने तो सुबह रोजा रखना है, हमें वीकनेस हो जाएगी, हमें कमजोरी हो जाएगी, हमने बड़ा मग भर के चाय का भी पीना है वरना हमें चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, भर भर के जब तक के रोजे का टाइम खत्म नहीं हो जाता हमने पानी पीते रहना है। ठीक है, जैसे कि हम रोजा नहीं रख रहे, हम किसी जहाद पे जा रहे हैं, हम जंग लड़ने जा रहे हैं जिसके लिए हमें बहुत कुछ ज्यादा किस्म की एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, ये हमारी होती है गलती कि हम रोजा रखना है हमने तो हम ठूस ठूस के खा रहे हैं, हम पानी से जब तक हम यहां तक फुल नहीं हो जाते, भर नहीं जाते, तब तक हम बस नहीं करते। मैं आपको ये कहूंगी अब पानी भी इतना पीना चाहिए जितना हमारी बॉडी जज्ब कर लेती है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी हमारी बॉडी से निकल ही जाना है। हम बार बार यूरिन पास करते हैं, बार बार हम वॉशरूम में जाते हैं तो वो पानी निकल ही जाता है। जितने पानी की जरूरत है जिससे हमारी प्यास बुझ जाती है, हम बस उतना ही पानी पिए तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया सहरी का टाइम। उसके बाद आ जाती है इफ्तारी। अफ्तारी में हमने जनाब सारा दिन रोजा रखा हुआ है, अब अफ्तारी में जब तक के हमारी टेबल के ऊपर समोसे, पकोड़े, फ्राइज नहीं होंगे, चकोरियां नहीं होंगी, हमारे पास समोसों के ऊपर डालने के लिए दही पकोड़ियां नहीं होंगी, हमारे पास लाल शरबत नहीं होगा, हमने टैंग नहीं बनाया होगा, दूध सोडा नहीं होगा या कोक नहीं पड़ी होगी हमारे टेबल के ऊपर, तो रोजा खोलने का हमें मजा नहीं आता। मतलब इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने सारे लवाजमात होते हैं, इतनी नेमतें हम रखते हैं अपने पास के जनाब हमने रोजा रखा है, हम सारा दिन भूखा रहे हैं, अब तो हमने टूट के खाना है, हमने जम के खाना है। उसके बाद तो हम इतना खाते हैं इफ्तारी के टाइम पे कि हम ये हमारी हालत होती है, नमाज पढ़ने का भी हमारे अंदर जो है ना वो स्टैमिना बाकी नहीं बचता। इफ्तारी में दही पकौड़ियां, चाट, समोसे, पकौड़े, इन चीजों से हमारा दिल नहीं भरता, बार बार हम शरबत पीते हैं, इनसे हमारा दिल नहीं भरा हुआ होता, अभी हमने खाना खाना होता है। ठीक है, हम खाना भी ठूस ठूस के खाते हैं कि भाई हमने रोजा रखा था और फिर अब हमने कल भी रोजा रखना है, और फिर हम सहरी के टाइम तक या जब तक हम जागते रहते हैं हमारी फ्रिज में जो भी पड़ा होता है हमने वो
खाते ही रहना है, ठीक है, ये हमारा तरीकेकार है। और फिर हम कहते हैं कि जब हम रोजे रखते हैं, रोजों में हमारा वजन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, हमारा वजन कम नहीं होता। इतनी लंबी चौड़ी बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अगर सिर्फ तरीका, जिस तरह से तरीका है, जिस तरह से रोजा रखने का फर्ज है या हक है, अगर हम इस तरह से रोजा रखें ना, सबसे पहले सहरी की बात करें ना, तो हमें चाहिए कि सहरी के टाइम पे हम अपनी एक रोटी लें, साथ में आप एक अंडा बना लें, या आप जो सालन खाना पसंद करते हैं, चार लेना पसंद करते हैं, आप वो ले लें, आप रोटी लें, आप पराठा लें, जो आपका दिल चाहता है वो ले लें, साथ में तीन चार चम्मच या एक कप जो है वो आप दही का ले लें, आप इसको इस्तेमाल करें, दो से तीन गिलास आप पानी के पी लें। आपने चाय पीनी है तो आप चीनी के बगैर, अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं तो आप चीनी के बगैर जो है वो अपनी चाय पिए। और ये बहुत बहुत ज्यादा है, मेरा नहीं ख्याल कि रात को जब हम 8-9 बजे अपना आखिरी मील लेते हैं तो फिर हमें 2-3 बजे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है खाने की। तो मतलब आपको जितनी भूख लगी है आप उतना आप खा लें, कि आपने रोजा रखना, ना कि आप ये समझें कि सुबह हमने कोई जंग लड़ने जाना है, हमने किसी महाज पे जाना, घर में ही रहना है। उसके बाद क्या होता है, अफ्तारी। अफ्तारी में आप सिर्फ 2 खजूरें लें, उसके बाद आप एक प्लेट ले लें जिसमें आप 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज रखें, उसके अंदर आप एक सेब जो है वो पूरा काट के रखें, फिर आप 2 से 3 खुबानियां ले लें, आलू बुखारा ले लें एक आधा। यकीन करें अगर आप इस तरह से अपना रोजा खोलते हैं और साथ में एक सादा गिलास पानी का, कोई लाल शरबत, कोई टैंग नहीं, कोई दूध सोडा नहीं, शरबत के मग भर भर के पीने के बजाय अगर हम सिर्फ सादा गिलास पानी पीते हैं ना, तो यकीन करें आप इतना सुकून महसूस करते हैं, अपने अंदर एनर्जी महसूस करते हैं। आप एक प्लेट जो आप भर के आप फ्रूट्स की ले लें, उसके साथ अगर आपका नहीं गुजारा होता तो फिर आप एक प्याली जो है वो आप चना चाट ले लें जिसके अंदर बहुत ज्यादा सब्जियां वगैरह होती हैं, तो आप वो भर के खा लें, ठीक है। उसके बाद आप एक्टिव फील करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपने फ्रूट खाया, आपने पानी किया भर के, ठीक है। उसके बाद आप अपनी नमाज वगैरह पढ़ें, नमाज पढ़ के अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर ताकत है, तो आप 15 से 20 मिनट की वॉक कर लें, ठीक है। आप इशा की नमाज अगर आपने पढ़नी है, पहले इशा की नमाज पढ़ लें, और उसके बाद आपने घर में जो भी बना हुआ है आप अपनी रोटी खा लें रज के, ठीक है। आप अपनी रोटी खाएं, जितनी भी आपको रोटी की तलब है आप अपनी रोटी खाएं, कोई बाहर की चीज ना खाएं। और उसके बाद आप शराफत से अपनी जो भी आपने नमाज पढ़नी है, आपने कुरान पाक पढ़ना, जो भी इबादत करनी है वो आप करें, और उसके बाद आप सो जाएं सहरी के टाइम तक, ना के आप जागे रहें, और जब आप जागे रहेंगे तो फिर आपको भूख लगती रहेगी, ठीक है। तो आप सो जाएं, या अगर आपको भूख लगती भी तो फिर आप एक फ्रूट खा लें, या आप थोड़ी सी कोई चना चाट बनी हुई है तो आप वो खा लें, ठीक है। उसके बाद अगेन सहरी में आप यही सब कुछ आप अगर रिपीट करते जाएंगे तो सीरियसली आप अपना वजन कम करेंगे, आपका वजन भी कम होगा, आपकी बॉडी में नुमाया फर्क जो है वो आपको नजर आएगा। आपने बस ये तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी। ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि हम जब रोजा रखें तो हम बहुत ठोस ठोस के खाएं, या हम जब अपना रोजा खोलते हैं, हम इफ्तारी करते हैं, तो उसमें हमारे पास हजार तरह की नेमतें हों। अल्लाह पाक की जो महबूब तरीन हस्तियां थी उनके दस्तरखान पे 2 से ज्यादा नेमतें नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो ये कहीं पर भी नहीं, मेरा जहां तक मैं समझती हूँ, मेरा ख्याल है कि हम अपना रोजा जो है वो नल कर लेते हैं जब हम इतना सारा कुछ खाते हैं, हम इतना एहतमाम करते हैं अपने लिए कि जी हमने सारा दिन रोजा रखा हुआ है। इफ्तारी पे एहतमाम करना इबादत है, सवाब का काम रोजा है। रोजे को रोजे की तरह रखें, जिस तरह से रोजे में सब्र करने के बारे में कहा है, या हमारे अगर जिस्म की ज़कात है तो हमें अपने जिस्म की ज़कात देनी ही चाहिए। ये पता है कि मैं आपको सही से समझा पाई हूँ, या मेरी ये बातें आपको समझ में आई हैं, या अगर मेरी ये बातें आपको बुरी लगी हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा माजरत चाहती हूँ। बट यही फैक्ट है कि हम इसी तरीके से अगर हम रोजा रख लेते हैं, ये वाकई बहुत सस्ता है, हमें बाहर से कोई चीज नहीं लेके आनी, आपने कोई सीरियल नहीं लेके आना, आपने कोई नट्स वगैरह नहीं अपने लिए लेके आने, आपने जस्ट सिर्फ घर में जो बनी हुई चीजें हैं आपने वही लेनी है। तो ये सस्ता भी है, ये आसान भी है, और ये सबसे बेहतरीन और मुनासिब तरीका है। आप यकीन करें अगर आप सिर्फ इस चीज को फॉलो करते हैं कि आप रोजा पानी से खोलते हैं, 2 खजूरें खाते हैं, आप फ्रूट्स साथ में लेते हैं, और रात को अपनी रोटी खाते हैं, और इसी तरह से आप सहरी के टाइम पर भी अपनी रोटी खाते हैं जितनी आपको जरूरत है, तो आप अपना वजन भी कम करेंगे, आपकी बॉडी में चेंजिंग भी आएगी, आपको खुशी भी मिलेगी। फिर मैं आपको फिर यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये लगा हो कि मैंने कोई सख्त बात की है, या मैं अपने आपको कुछ ज्यादा मजहबी शो करवा रही हूं, या मैं अपने आपको ज्यादा बेहतर महसूस करवा रही हूं आप लोगों के सामने, तो भी ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बात है।
उन लोगों के लिए जो कि ये चाह रहे हैं कि हम रमजान में अपना वजन कम करें, हम रमजान के साथ अपने वेट लॉस को जो एसोसिएट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हम बस इस चीज को अपने दिल से निकाल दें, रमजानुल मुबारक के इस महीने को हम उसी तरह से गुजारें और जिस तरह से कहा गया है अगर हम उसी तरह से रोजे रखें तो हमारा वजन ऑटोमेटिकली ही कम होगा, हमें ऑटोमेटिकली इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। जी तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना पसंद आई हो तो फिर भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।